हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल माय फिश हॉबी। और मैं हूँ स्टैनली, और आज हम व्लॉग शूट करने वाले हैं। तो अभी आज आपको दिखाने वाला हूँ कि जो मेरी फिश रूम है उसके अंदर मैं क्या क्या चेंजेस करे। और अब मैं घर से एक फ्लावर उनको लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे एक सेटअप बना है उसके अंदर रखने वाले, वो सेटअप है जो उधर जाके मैं आपको बताऊँगा। तो अभी मैं कौन सा फ्लावर ऑन लेने वाला हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये वाला जो फ्लावर होन है इसको मैं ले जाने वाला हूँ। इसकी ये मेरे उधर ही ब्रीड हुआ था, गब्बर का बच्चा है ये। अगर आपने आगे की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा जो मेरा बड़ा वाला फ्लावर होन है ये, उसका बच्चा एक तकरीबन इसके 1 साल के ऊपर हो चुका है। मैं इसको अब वहाँ पे ले जाने वाला हूँ, उस सेटअप में रखने वाला हूँ। ये अगर आपको पता ना हो तो आपको बताता हूँ, ये रहा गब्बर जिसका इसका बच्चा है ये गब्बर का। देखो आपको दिखाता हूँ, ये बहुत बड़ा फ्लावर होन है मेरा, और एक तकरीबन मेरा 9 ईयर्स से मेरे साथ है, और ये 9 ईयर्स से फिट है और अच्छी तरह से रहा है। देखते भी आए कितना रहता है, और हम इसे अच्छी तरह से रखेंगे। तो चलिए अभी इस फ्लावर होन को निकालते हैं और लेके चलते हैं। तो अभी मैंने अंदर थोड़ा पानी भरा हुआ इस बाल्टी के अंदर, और इसके अंदर मैं थोड़ा इस एक्वेरियम का पानी डालूंगा जिससे पानी एक्लिमेटाइज रहे और टेम्परेचर मेंटेन रहे और फ्लावर को कोई दिक्कत ना है। तो अभी इसी बाल्टी के अंदर रख लिए, अब हम इसको पकड़ेंगे और इसको हम रखेंगे अंदर। बहुत ही बढ़िया पीस है, तो इसको इसके अंदर रख लिया है। अब इसको लेके चलते हैं और आगे सेटअप में आपको दिखाऊंगा, अब डायरेक्ट इसको सेटअप के अंदर दिखाऊंगा। चल ये मेरा अभी नया सेटअप मैंने करा है मेरी फिश रूम में। तो पीछे मैंने एक्वेरियम रखा है, उसके अंदर मैंने फ्लावर रखा है, और वो फ्लावर को कैसे लेके आए वो मैं आगे के वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और इस प्रकार का मैंने जो सेटअप तैयार किया वो मैं आपको बताता हूँ। और इसलिए थोड़ा ये सेटअप तैयार कर रहा था, और ये सब फीस रूम के अंदर जो कुछ नई चीज़ें करनी थी उसमें बिजी था, इसलिए नए वीडियो में नहीं डाल पाया। लेकिन अब से वीडियो धीरे धीरे करके रेगुलर हो जाएंगे, क्योंकि फीस रूम में कुछ भी काम करना होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, और कोई भी एक्वेरियम अगर बनाते हैं तो उसमें टाइम जाता है, इसलिए उसे साइकिल होने में टाइम लगता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है। इसलिए आप समझ सकते हो कि वीडियो क्यों लेट हो रहा है। मुझे पर्पस थी कि मैं इसमें ध्यान नहीं देता, ऐसा कुछ है नहीं, मैं इसके अंदर 100% ध्यान देता हूँ और वीडियो भी अच्छी तरह से डालने की कोशिश करता हूँ। तो होप करता हूँ आपको ये मेरा नया सेटअप अच्छा लगा होगा, और मैं इसे दिखाऊंगा आपको कैसे मैंने ये सेट किया है, कैसे मैंने स्टूडियो लाइट लगाया, पीछे एक्वेरियम लगाया है, तो आपको देखने में भी मजा आएगी। अगर आपको भी चैनल खोलनी हो तो आप खोल सकते हो, और ऐसे सारे सेटअप जो मैं बता रहा हूँ आप यूज़ कर सकते हो, और आपके भी पास जो भी नॉलेज है वो शेयर कर सकते हो, तो हमें और दूसरे जो हॉबीस्ट होंगे उससे भी बहुत मज़ा आएगी। तो ये जो अभी हमने सेटअप किया मैं कैसे करा मैं आपको दिखाऊंगा, और ये सब जो भी मैं इसके बाद का जो मैं बिहाइंड द सीन जो भी हमारा शूट होगा वो मैं दूसरी चैनल पर आएगा, उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी नेक्स्ट वीडियो से। और फिर जो भी मैं नया कुछ भी करूंगा तो उसके अंदर जो भी है वो व्लॉग स्टाइल में हम आपको सारी चीज़ें बताते रहेंगे। और जो माय फिश हॉबी इसके अंदर हम सिर्फ फिश रिलेटेड जो कंटेंट है वो जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर करेगा, और बिहाइंड द सीन के लिए दूसरी चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आपको कैसा लगा मेरा ये सेटअप उसके ऊपर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, और मैं अभी आपको ये सेटअप दिखाता हूँ कैसा मैंने किया है। मैं इस प्रकार का सेटअप तैयार करा हुआ है, यहाँ पीछे मैंने फिश रखी हुई है और यहाँ पे टेबल रखा है जिससे आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, कोई चीज़ बतानी हो तो आसानी से बता सकता हो। और यहाँ पे मेरी 2 LED लाइट है, यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड स्टैंड रखा है, और बैकग्राउंड में फ्लावर ऑन की टैंक रखी है। तो ये मेरा एक फिश रूम का एक सेटअप है जिसमें मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। तो इस प्रकार का मैंने कुछ सेटअप किया है, और दूसरी साइड का मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ से इस साइड आते हैं तो इस साइड भी मेरी जो मराइन टैंक है वो रखी हुई है। यहाँ मॉली वाली फिश के बकेट रखी है, और यहाँ पे दूसरी थोड़ी फिश जो आई है वो भी रखी हुई है। तो इधर भी मैंने थोड़ा चेंजेस करा है,
और मराइन के टैंक के ऊपर भी अभी वीडियो आएगा नया अच्छी तरह से, और उसमें भी आपको पता चलेगा उसके अंदर क्या चीज़ें भी ऐड करने वाले हैं, वो सब आपको बताऊंगा। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक रैक बना दूँ, फ्यूचर में शायद इधर एक रैक बनाऊंगा जिसके अंदर मैं फिश स्टॉक कर सकूँ। तो इस प्रकार ये मेरी फिश रूम है जो मैं अभी सेटअप करा है। फिश थी जो गोल्डन वाली ब्रीडिंग के लिए लेके आया था, तो इसने इसके अंदर ही बच्चे दे दिए थे, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं चला, इसलिए मैं सारे बच्चों को बचा नहीं पाया। लेकिन दो बेबी से मैंने उसे निकाल लिया था, उसे बचा लिया, तो मैं आपको दिखा था। और उसके लिए हमें एक नई कंटेनर या टैंक कुछ सेटअप करना होगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत छोटे छोटे बेबी दिखेगा आपको। एक जो फ्लावर ऑन थी मेरी, उसको मैंने मेरे फ्रेंड के उधर ब्रीडिंग करने के लिए दिया है। उसकी जो फीमेल थी उसने दो तीन बार एक ले कर दी है, तो अब होप करते हैं शायद वहाँ पे ब्रीड हो जाए, देखते हैं। तो जो एक फ्लावर ऑन मेल था वो मैंने उसे दिया है, तो अब देखते हैं उधर ब्रीड होता है कि नहीं, और आगे की वीडियो में मैं आपको बताते रहूँगा। होप यू लाइक माई दिस अपडेट ऑन माई फिश हॉबी अबाउट माई फिश रूम, और आगे से अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेगी। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट में कह सकते हो, वो कोई सजेशन हो वो भी कह सकते हो। तो मैं स्टैनली ठाकुर साइनिंग ऑफ, और फिर मिलते हैं ऐसे कोई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।